बोकार्ड हॉस्पिटल नागपुर देखभाल और नवीनता की परंपरा वाला एक अग्रणी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता है, जिसने इस अस्पताल को मध्य भारत के रोगियों के लिए वरदान बना दिया है। बोकार्ड अस्पताल नागपुर जो गंभीर रोगियों का इलाज करता है, जिसका एक स्वतंत्र कैंसर केंद्र है, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ ऑंको सर्जन डॉक्टर रमाकांत ताइडे करते हैं, जिन्होंने और एक गंभीर नैदानिक रूप से चुनौतीपूर्ण मामला 70 वर्षीय महिला रोगी जो पेट दर्द, परिवर्तित मल त्याग, भूख न लगना और कमजोरी जैसे लक्षणों के साथ नागपुर के बोकार्ड अस्पताल में आई थी, उसका सफलतापूर्वक इलाज किया गया और रोगी ठीक हो गई है। 70 साल की एक महिला मरीज को गंभीर हालत में बोकार्ड अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पिछले 2 महीनों से उसकी कहीं और जांच की गई थी और एनीमिया का इलाज किया जा रहा था और उसे बार बार खून चढ़ाया जाता, लेकिन इसके बावजूद उनका हीमोग्लोबिन स्तर सामान्य नहीं था। उनका बाहरी सीटी स्कैन कराया गया, जिसमें छोटी आंत का द्रव्यमान पता चला, सूजन का संकेत दिया गया, इसलिए उन्हें हैदराबाद में महंगी एंडोस्कोपी जांच कराने की सलाह दी गई। लेकिन चूंकि मरीज इतने महंगे इलाज के लिए पैसे खर्च करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उन्होंने डॉक्टर रमाकांत ताइडे से संपर्क किया। डॉक्टर ताइडे ने इस मुद्दे पर चर्चा की और डॉक्टर ताइडे ने उन्हें निरीक्षण के लिए नागपुर आने को कहा। उनका पहले दाहिने हाथ का लियोमायोसार्कोमा के लिए इलाज किया गया था। 70 वर्ष महिला है, जन्ना मल्टीपल कोमोरबिडिटीज जैसे हाइपरटेंशन, बीपी, शुगर आणि अस्थमा आणि ग्रासित्य आहेत, आणि सोबतच त्यांना बरेच महिन्यांपासून लो हिमोग्लोबिन राहत होतं, त्याकरता त्यांची बरेच जागी इलाज सुरू होता आणि बरेचदा ब्लड ट्रान्सफ्युजन्स वगैरे झाले होते। त्या कमी हिमोग्लोबिन हा मेन त्यांचा प्रॉब्लेम होता, त्याकरता ते माझ्याकडे आले होते आणि त्याचा तपासण्या करताना हे लक्षात आलं की त्यांचं जो लो हिमोग्लोबिन आहे ते ब्लड लॉस होत असल्यामुळे होत आहे, आणि मोस्ट प्रॉबेबल कारण त्याचं हे असू शकते की ते छोट्या आतडीमध्ये जे गोळा आहे त्यातून रक्तस्राव होत असावा, त्याकरता त्यांचा कीहोल सर्जरी आणि त्यानंतर मेजर सर्जरी करून छोट्या आतडीमध्ये जो गोळा होता त्याचा काढून आतडी जोडण्यात आली। ह्या सर्जरीतून त्या पूर्णपणे बऱ्या झाल्या आणि त्यानंतर त्यांचं हिमोग्लोबिन आता कॉन्स्टंटली ठीक आहेत आणि पेशंटसुद्धा स्टेबल आहेत। सोबतच त्या ज्या रेअर जेनेटिक कंडिशन जे सायटस इन्व्हर्सस ह्या आजाराने ग्रासित आहेत, त्यामुळे त्यांचं एज आणि सायटस इन्व्हर्सस आणि सोबतच जे बाकीचे जे आजार असल्यामुळे ही बरीच चॅलेंजिंग अशी केस होती आणि त्यातून पेशंट पूर्णपणे बरा झाला आणि जी कॉस्ट बरीच बाहेरच्या शहरांमध्ये जी महागड्या टेस्ट त्यांना ॲडवाईस करण्यात आल्या होत्या त्याची गरज न पडू देता आपण त्यांचं डायग्नोसिस करू शकलो आणि पेशंटला ठीक करू शकलो, त्यामुळे आम्ही बरेच याला आनंदाची वाट म्हणजे समजू शकतो। डॉक्टर रमाकांत ताइडे ने उनका डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी की और पता चला कि छोटी आंत में एक द्रव्यमान था जो आंत को बाधित कर रहा था और एनीमिया का संभावित कारण था। छोटी आंत का वह हिस्सा शल्य चिकित्सा द्वारा हटा दिया गया था। मरीज सर्जरी से ठीक हो गया और उसे स्थिर स्थिति में छुट्टी दे दी गई। NBC न्यूज के लिए राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।